सो गाइस, व्लॉग तो मैंने 4 दिन पहले शूट कर लिया था, लेकिन ये कोरोना वायरस के वजह से कुछ प्लान ही नहीं बना। तो इस गाड़ी में कुछ काम किए थे, जब तक वो देखिए, देन जैसे वो ख़त्म होगा उसके बाद हम बात करेंगे कोरोना वायरस के वजह से कितना असर पड़ रहा है मेरे शहर पे, आपके शहर पे और पूरे दुनिया पे। उसके बाद व्हील घुमा के राशन की दुकान और मेडिकल। देखिए, गले में मांस है लेकिन फेस पे नहीं है। सो सीट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया धूप में रख रख के, तो पहले ठंडा हो जाए फिर हम यहाँ से अपना आसन रख के यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अपने KTM देख लिया, KTM कितनी प्यारी लगती है, मैंने उसको कैसा बना के रखा था। बट क्या करें भाई, राइड करना रहता है, सामान को अच्छे से रखना रहता है, तो ये सब जुगाड़ करना पड़ता है। ओके, हमारे पास उतने 22-25 हज़ार है नहीं कि पेनलेस लेके एक्स्ट्रा लगाए। सो जब से गाड़ी को मैंने ऐसा बनाया था, मैं गाड़ी में 2-3 काम कर रहा था। देखो, यहाँ पे चेंज पे रखा है। ओके, और ये रहा अपनी गाड़ी पे, ये हालत देखिए कितनी खराब हो चुकी है। मैंने चेंज पे हल्का सा तो मार दिया था, लेकिन हम चेंज पे खत्म हो गया, तो सोचा क्यों ना भाई चेन को पूरा क्लीन कर दूं मैं। चेन है देखिए किस किस हालत में है, ये प्रॉपर अच्छे लुक में आपको दिखेगा। लेट्स गो। इसको 2-3 दिन से नहीं चलाया हूँ। हाँ चलो, जाएगा। मेरे गाड़ी में ऑलरेडी 2-3 बॉटल है और 2-3 और सामान है। 3 बॉटल है यार, वाह। ये गाड़ी का मिरर ना ऐसे ही रहता है, हिलता हिलता डुलता रहता है हमेशा। कितनी बार भी टाइट करा लो तो भी हिलता डुलता रहता है। और क्या हाल चाल है आपके शहर के? मतलब जब से कोरोना वायरस ने इंडिया में ढाबा बोल दिया है, तब से हमारे इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा सावधान हो चुके हैं। ओके, देखिए गले में मांस है लेकिन फेस पे नहीं है। हम जा रहे हैं घासलेट लाने के लिए, जिसको घासलेट भी कहते हैं, मट्टी तेल भी कहते हैं, केरोसिन भी कहते हैं। कैसे लीटर है भैया? 70 यार, ओनली बस 30 का दे देना। 30 का नहीं, 40 का। अरे ये 40, मुझे ना गाड़ी साफ करना है, चेन साफ करना है लेके। 40 का मिलेगा तो 20 का दे दो फिर। 30 का ही लो। हाँ 20। इससे इधर से नापो या इधर से नापो, 5 की जगह सिर्फ 2.5 लीटर ही मिलता है। हालत पे मत जाना, क्योंकि मेरी हालत कब ठीक होगी? जब मैं ये सारा काम निपटा दूंगा ना, तब मेरी हालत जाके ठीक हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? अगर आपको आपकी गाड़ी का चेन लुक करना है, चेन क्लीन करना है मैनुअली, तो आपके पास 2-3 सामान होने चाहिए। एक तो सबसे पहले आपके गाड़ी में डबल स्टैंड होना चाहिए, देन उसके बाद 2-3 पाना होना चाहिए कि आप आगे का जो चेन पॉकेट है वो ओपन कर सके और पूरे अच्छे तरीके से चेन क्लीन कर सके। ओके, ओहो माय गॉड, देखो कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितने सालों से यहाँ जो थी की हालत दिखेगी, कैसे इसकी हालत है, कितने सारे ऑयल यहाँ पे, ऑयल में मिट्टी जमा हो गए हैं। तो इसको तो हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पे गोवा से आने के बाद किस तरह पूरा चेन सूख गया है, और ये जितनी गंदगी है सब अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। देखिए 2 मिनट निकल चुका है, बहुत सारा कचरा यहाँ पे निकाल दिया है। सो अभी आपको लेना है एक छोटा सा बर्तन, जो घर में बहुत सारा पुराना, मतलब पुराना बर्तन हो, उसमें लेना है आपको रॉक एल, जिसकी खुशबू बहुत शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद है। ओके, और इसको लेने के बाद बस क्या, जिस तरह आप अपने दादों को चमकाते हो उस तरह चैन पकड़ो, चमकाना स्टार्ट कर देते। ओके, और नीचे ऐसा कुछ प्लास्टिक का रखे कि फर्श ना ख़राब हो। तो पहले हम इसे बेसिक मारेंगे, फर्श देखिए कैसा एकदम नया का नया लग रहा है। तो बस यही काम करना है, घासलेट लेके आना है अगर आपके पास टाइम है चेन क्लीनिंग करने के लिए। तो अगर टाइम नहीं है तो चेन लूप लेके आइए, मारिए गाड़ी को, घुमाइए वापस, उसको साफ़ कीजिए, फिर चेन लूप मार दीजिए। लेकिन अगर घासलेट से करेंगे, खुद से करेंगे, तो एकदम अलग ही मज़ा आएगा और गाड़ी से कुछ प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो ऐसा होता है, ऐसा आज हम कर रहे हैं इसको क्लीन। मैं कुछ बोलना कुछ और चाहता था, बोल कुछ और दिया। किस तरह इसकी गोटियाँ टम टमा टम एकदम कैसे चम चमक रही है। गोप्रो में इतना क्वालिटी नहीं दिख रहा, लेकिन एक ही बार घासलेट साफ करने के बाद
कितना अच्छा चमक रहा है ओके। और मैंने बाकी पार्ट भी एकदम क्लीन कर दिए, यहाँ पे हाथ देखो क्या हाल हो चुका है ओके। नीचे काला काला देखो, पूरा काला चेहरा मेरा काला हुआ है, छोटे थोड़ा सा हुआ है। तो अब जो करने वाले हूँ थोड़ी थोड़ा सा रिस्क है, आप लोग भी मतलब करें तो संभल के करें, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ और गाड़ी में रनिंग में रॉकेट डालने वाला हूँ कि कंटिन्यू वो घूमेगा और जितने भी गंदगी है सब उड़ जाएगा रॉकेट से ओके। हाँ दबा के छोड़ दे जिंदाबाद। और ये तो यहाँ पे मस्त क्लीन हो गया। आप ऐसा काम जब आपके पास फ्री टाइम हो भाई, ऑफिस ऑफिस की छुट्टी हो, स्कूल की छुट्टी हो, कॉलेज की छुट्टी हो, तो फ्री टाइम में मजे से बैठ के करना। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट देखिए पूरा एकदम न्यू जैसा हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, जैसे मैंने इंजन स्टार्ट किया यहाँ से ऑयल मतलब तीन छेद है, तीन छेद में से बीच वाले में से ऑयल लीकेज होने लगा है, तो जस्ट ज़्यादा नहीं थोड़ा मोड़ा सा बूंद गिरा। ये सब लाइट वेट सेट कर रहा था यहाँ पे। सो अभी ये हुआ क्या, इस आवाज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। अभी ये हुआ क्या, बाइक एकदम स्मूथ रेडी हो चुकी है, मतलब चेंज पॉकेट जो क्लीन करने में जो मज़े आए और जो एक से डेढ़ घंटा गया। सो जस्ट मैं तीसरे दिन स्टेशन पे गया देखने की क्या हालचाल है। सुबह सुबह एकदम सन्नाटा, मतलब 50% लोग कम हो चुके हैं ट्रैवलिंग वाले, जो बाहर जाके काम वाम करते हैं मुंबई साइड में, क्राउड कम हो चुका है, लोगों के दिलों में बहुत डर बैठ चुका है डायरेक्टली बैठना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ी सी गलती कोरोना वायरस पकड़ सकती है आपको। वैसे तो मैंने व्लॉग शूट किया था, कंटिन्यू बैक टू बैक शूट किया था, लेकिन कोई एक अच्छा मौका ही नहीं मिला कि मैं उसको अच्छे से एडिट कर पाऊँ। सो ये है हमारे बोसर का सबसे क्राउड वाला एरिया ओसवाल, काफी ज्यादा फेमस मार्केट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ खाली राशन की दुकान और मेडिकल, उसके अलावा कोई भी शॉप यहाँ पे ओपन नहीं है ओके। गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्टली मतलब बोल दिया है कि सारे शॉप बंद रहेंगे, जहाँ पे पब्लिक जमा होती है, जहाँ पे 10-15 लोग खड़े होते हैं, वो वैसी सारी जगह बंद रहेगी। और ये सब जो बाकी लोग देख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये सब जस्ट अभी काम करके आए फैक्ट्री से। सो काम तो करना ही पड़ेगा, तो कंपनी में भी रूल्स है कि बिना मास्क का व सैनिटाइजर यूज कर रहे तो काम हो रहा है। कोरोना का इतना खतरनाक असर पड़ रहा है हर जगह, ये देखिए गैरेज लाइन भी यहाँ पे बंद है और इस गाड़ी का काम भी यहाँ पे बंद है ओके। देखो किस तरह धूल मट्टी बैठ गई इस पे। चालू गाड़ी कोई बोल सकता है कि ये चालू गाड़ी है? गाड़ी 120 की स्पीड में भागती है रास्ते पे 4-5 जन को लेके, सिर्फ पेंटिंग और सीट कवर की वजह से काम इसका रुक गया है, बाकी गाड़ी में कुछ काम नहीं है, खाली पेंटिंग और सीट कवर। और वो ब्लू वाली भी सोच रहा हूँ लेने के लिए यार, क्योंकि जो मुझे मेरे जो काम है ना यार, ये फोटो वीडियो का, जब उसको सारे सामान में अच्छे से रख के लेके जा सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, क्लाइंट के साथ लेके जाना या बाइक पे लेके जाना, ट्रेन में लेके जाना बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पता नहीं पर वो सील करेगा कि नहीं क्या मालूम। अरे अब भी आया, घर पे आया। घर पे है क्या? चलेगा कोई ना। अरे मैं इधर गैरेज आया था तो वही देखा क्या बंद है सब इधर। ओके सो यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:02 और शहर की जो हालत है ठीक तो नहीं है, परेशानी सबको हो रही है, लेकिन इस परेशानी का सामना नहीं करेंगे तो आगे बहुत जाके तकलीफ होगी। सो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन है 22 तारीख, मतलब भारत बंद, लोगों को खुद ही घरों में रह के इस भारत को बंद रखना है, किसी का किसी पे प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर इस कोरोना वायरस को खत्म करना है तो ये तो करना पड़ेगा। सो ओनली मेडिकल, राशन की दुकान और कुछ दुकानें खुले हैं जहाँ पे सिर्फ पार्सल खाना मिल रहा है ओके, सिर्फ पार्सल मिल रहा है। सो वैसी जगह है, बहुत अजीब सा लग रहा है यार, मतलब कि दुकानें पूरी बंद, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चालू है जिनके पास गाड़ी है वो और बाकी लोग। सो देख लिया ना कि बाहर शहर की हालत क्या हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में कोरोना ने आफत मचा रखी है ओके। सो अब
इससे बचने की बारी है। मतलब जिस दिन आप यह वीडियो देख रहे हो सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक घर में रहिए कि 12 घंटे के अंदर कोरोना वायरस पूरी तरह से कम हो जाए, क्योंकि उसका असर जो है मतलब कोरोना वायरस जो जिंदा रहता है 12 घंटे तक, तो 14 घंटे में आई होप कि वो पूरी अच्छी तरह से गायब हो जाए इंडिया से। और ये जो फॉर्मूला काम आ गया तो ऑल ओवर कंट्री वाले भी ये यूज़ करेंगे, सो वहाँ से भी कोरोना चले जाए। गाइस इस व्लॉग को एंड करते हैं और सेकंड व्लॉग में शूट करूँगा, घर में रह के शूट करूँगा, देखूँगा 14 घंटे घर में रह के क्या कर सकता हूँ मैं। ओके सो बाय बाय, बस आराम करिए, बाकी छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा।